नमस्कार, ईडीएम नॉलेज पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर से संबंधित है, जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। तो चलिए इन प्रश्नों को देख लेते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पहला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में कितने नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? तो इसका उत्तर है 3, कोरबा, महासमुंद और कांकेर में। पहले से स्थापित जिला अस्पतालों या रेफरल अस्पतालों में ही इसकी स्थापना की जाएगी। दूसरा प्रश्न है कि देश का पहला कैशलेस गांव कौन बन गया है? तो ये है पालना, जो कि दंतेवाड़ा जिला में है। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि घरों में स्वच्छता के मामले में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो छत्तीसगढ़ 27वें स्थान पर है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की स्थिति भी छत्तीसगढ़ से बेहतर है। चौथा प्रश्न है कि 24 घंटे में किस कोयला खदान ने सर्वाधिक उत्पादन कर एक नया कीर्तिमान रचा है? तो वो है गेवरा, जिन्होंने 2.36 लाख टन कोयला उत्पादन कर दिया है। पांचवा प्रश्न है कि कांकेर के गढ़िया पहाड़ को किस रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका उत्तर है राम वनगमन पथ के रूप में। छठवां प्रश्न है कि किस केंद्रीय विद्यालय को हार्ड स्टेशन का दर्जा प्रदान किया गया है? तो यह पिपरिया खैरागढ़। देश भर के 149 केंद्रीय विद्यालयों में इसे शामिल किया गया है। सातवां प्रश्न है कि जिंदगी फाउंडेशन की संस्थापक यशा को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया है? तो इन्हें राष्ट्रीय रत्न सम्मान दिया गया है और इनके साथ जनसंपर्क अधिकारी गायत्री यदु को भी इसी सम्मान से नवाजा गया है। आठवां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सली हिंसा में शहीद जवान के परिजनों को एक्स ग्रेशिया राशि यानी कि अनुग्रह अनुदान 3 लाख से बढ़ाकर अब कितना कर दिया है? तो इसका उत्तर है 20 लाख। नौवां प्रश्न है कि किस राज्य की बास्केटबॉल महिला टीम में लगातार 29 सालों की नेशनल चैंपियन भारतीय रेलवे को हराकर इतिहास बना दिया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य है। 2014 में विजित इस टीम पर लारा दत्ता द्वारा, जो कि एक फिल्म अभिनेत्री है, फिल्म बनाई जाएगी। दसवां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ से राज्यसभा चुनाव 2020 के लिए किन दो सदस्यों को निर्विरोध चुना गया है? तो फूलो देवी नेताम और केटीएस तुलसी। ग्यारहवां प्रश्न है कि रामाराम मेले का आयोजन छत्तीसगढ़ में कहाँ होता है? तो ये बस्तर में होता है और बस्तर के इतिहास के अनुसार 608 वर्षों से यहाँ मेले का आयोजन होता रहा है। इसे राम वन गमन परिपथ में भी शामिल किया जाएगा। 12वां प्रश्न है कि लघु वनोपज प्रसंस्करण केंद्र कहाँ खोले जाएंगे? तो 3 स्थान पर है, अंबिकापुर, दंतेवाड़ा और पाटन में। 13वां प्रश्न है कि एल्यूमिनियम उत्पादों के निर्माण के मुख्य घटक एल्यूमिनियम हाइड्रेट का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो इसका उत्तर है सरगुजा, जो कि बतौली विकास खंड के ग्राम चिरंगा। 14वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के कितने राज्य सहकारी समितियों के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी की गई है? तो 1333। 15वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ विद्युत कंपनियों के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो सुब्रत साहू, वे शैलेंद्र शुक्ला का स्थान लेंगे। वे राज्य पावर कंपनी के निदेशक भी होंगे और अभी वे मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव पद पर हैं। 16वां प्रश्न है कि आदिवासियों का राबिन हुड किसे कहा जाता है? तो टंटिया भील को, और यह मध्य प्रदेश के जननायक थे, जिन्होंने फिरंगी सत्ता की ईंट से ईंट बजाने के लिए आंदोलन छेड़ रखा था। अब इन्हें छत्तीसगढ़ के स्कूलों में भी पढ़ाई करवाई जाएगी। 17वां प्रश्न है कि सकल नारायण मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? तो पोषणपल्ली की पहाड़ियों में, बीजापुर में। सकल नारायण गुफा में एकांत में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है और इसी की पूजा अर्चना के रूप में ये मेला प्रतिवर्ष भरता है। 18वां प्रश्न है कि कोल इंडिया अंतर इंडिया कंपनी एथलीट्स 2019-20 में किसने तीरंदाजी में लगातार 6वीं बार गोल्ड मेडल अपने नाम किया है? तो वो खिलाड़ी हैं सेद कुमार यादव कोरबा, और इसका आयोजन मध्य प्रदेश के सिंगरौली में हुआ था। 19वां प्रश्न है कि हमारे देश में गिद्धों की कितनी प्रजातियाँ पाई जाती है? तो 9, इनमें से 5 प्रजातियाँ छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है। 20वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का पहला सर्प उद्यान कहाँ खोला जाएगा? तो जंगल सफारी रायपुर में।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 21वां, लोक संस्कृति संस्थान सोन चिरैया की ओर से पहला लोक निर्मला सम्मान छत्तीसगढ़ के किस हस्ती को प्रदान किया गया? तो पद्म विभूषण तीजन बाई पंडवानी गायिका को। 22वां प्रश्न है कि ऑटोमेटिक सरिया उद्योग कहाँ स्थापित किए जाएंगे? तो बटवाही, जो कि लुंड्रा विकास खंड में है। 23वां प्रश्न है कि हाल ही में किस मशहूर आदिवासी एक्टिविस्ट का निधन हो गया? तो अभय खाखा। अभय खाखा जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के वन अधिकार को लेकर काफी मुखर रहे। 24वां प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने अपनी स्थापना की 25वीं रजत जयंती कार्यक्रम मनाया? तो वो बैंक का नाम है लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक। 25वां प्रश्न है कि बस्तर विश्वविद्यालय का नाम अब किनके नाम पर किया जाएगा? तो महेंद्र कर्मा। 26वां प्रश्न है कि 25वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो राजकुमार पांडे बिलासपुर ने। इन्होंने 81 किलोग्राम वजन वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। छत्तीसगढ़ की टीम 55 स्वर्ण, 40 रजत और 30 कांस्य पदक के साथ चतुर्थ स्थान पर रहे। 27वां प्रश्न है कि देश भर के व्यंजनों का स्वाद चखने महिला आनंद मेला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो सुभाष स्टेडियम रायपुर में। 28वां प्रश्न है कि सिख धर्म का ध्वज निशान साहिब को दुबई स्काई डाइविंग में 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थापित कर किसने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसे शामिल कराया? तो नवजोत सिंह गुरुदत्ता, ओडिशा के। 29वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मानधन योजना का संचालन राजस्व विभाग के स्थान पर अब किस विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा? तो अब ये कृषि विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा। 30वां प्रश्न है कि वन स्टेट वन गेम योजना के तहत छत्तीसगढ़ को कौन सा खेल मिला है? तो छत्तीसगढ़ को आर्चरी मिला है। और ये जो वन स्टेट वन गेम है, ये 2024 में मेडल जीतने के उद्देश्य से इस योजना को प्रारंभ किया गया है। 31वां प्रश्न है कि महिला दिवस के अवसर पर ब्रिटिश संसद ने छत्तीसगढ़ की अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी गोल्डन गर्ल श्रुति यादव को कौन सा सम्मान दिया है? तो उन्हें सी इंस्पायर अवार्ड 2020। 32वां प्रश्न है कि राज्यपाल अनुसुईया उइके ने किस ग्राम को गोद लेने की घोषणा की है? तो सल्फी पदर कोंडा गांव। 33वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ युवा वैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो रायपुर में। ऑल इंडिया फॉरेस्ट मीट में किसने 4 गोल्ड मेडल अपने नाम किया? तो युधिष्ठिर साहू, दुर्ग के। 35वां प्रश्न है कि ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ को वुमेन्स कैटेगरी में एकमात्र गोल्ड मेडल किसने दिलाया? तो पूजा नायक ने। अब आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न 36वां, कि गोबर गैस की उपयोगिता बढ़ाने हेतु कहाँ पर प्री फैब्रिकेटेड गोबर गैस प्लांट लगाया जाएगा? तो ये है बस्तर। तो ये था आज का हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न संग्रह। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है और आगे भी आप ऐसे ही करंट अफेयर संबंधी वीडियो देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।